हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे पल पल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बच्चों के जिद्दीपन के बारे में। आजकल हर किसी पेरेंट्स के पास एक या दो बेबी होते हैं, तो हर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे लाडले और प्रिय होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा लाड प्यार ही हमारे बच्चे को इतना जिद्दी बना देता है कि बच्चे हमारे वश से बाहर हो जाते हैं। आजकल हर किसी मदर की यही प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा खाता पीता नहीं है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है या टीवी ज़्यादा देखता है, सारा दिन फोन में बिजी रहता है और चिप्स कुरकुरे वगैरह ज़्यादा खाता है, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाता है और बजाय खाना खाने के। तो बच्चों की जिद के आगे पेरेंट्स हमें हार नहीं माननी है। वी आर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमें बच्चों को सुधारने के लिए, उनके जिद्दीपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ तो पेशेंस रखना होगा और बच्चों की कुछ बातों को इग्नोर भी करना होगा। जैसे बच्चा रोता चिल्लाता है, जिद्दी हो जाता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, अगर मैं एक दो बार रोऊंगा या चिल्लाऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो उसको रोना या चिल्लाना बहुत इजी लगता है। उसे होता है कि मैं एक या दो बार चिल्लाऊंगा तो मेरे को ये चीज़ मिल ही जाएगी। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक एक तो बच्चा है या दो ही तो बच्चे हैं, तो इनकी डिमांड किसने पूरी करनी है, हमने ही तो पूरी करनी है, या कमाते किसके लिए हैं, बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, पेरेंट्स आपकी यही सोच बच्चे को नेगेटिव रास्ते पर ले जाती है। बच्चों की कुछ बातों को इग्नोर कीजिए और बच्चा अगर जिद्दी हो रहा है या किसी चीज़ के लिए रोता या चिल्लाता है तो उसको इग्नोर करिए, कुछ देर उसे रोने दीजिए। लेकिन अगर वो थोड़ी देर रोएगा उसमें कुछ ना कुछ जरूर सुधार होगा। वह थोड़ी देर रोकर अपने आप चुप हो जाएगा, फिर वह उसी बात के लिए अपने आप मान जाएगा। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसकी डिमांड उसी टाइम पूरी कर देते हैं, चाहे वह किसी टॉय के लिए रो रहा है, किसी चीज के लिए, या फोन टीवी आदि देखने के लिए रो रहा है, तो आप उसी टाइम उसके सामने वो चीज़ पेश कर देते हैं, तो बच्चे को होता है कि मेरी डिमांड पूरी हो रही है या मेरी ही मानी जाती है, तो वो बच्चा आगे से ज़्यादा रोता है या ज़्यादा चिल्लाता है, नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा ऐसा करने लग जाता है। तो पेरेंट्स हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे की कुछ बातों को इग्नोर कीजिए। हाँ, उसे ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन इतने अधिक ना दीजिए कि बच्चा बिगड़ जाए। उसे इस तरह के ऑप्शन दीजिए कि बेटा अगर आपने खाना खाना है तो आपकी ये डिमांड पूरी होगी, अगर आप खाना खाओगे तो ही आपको ये टॉय मिलेगा या आपकी फेवरेट चीज़ आपको तभी मिलेगी। ना कि उनको ये ऑप्शन दीजिए कि बेटा आप खाना खाओगे या बाहर से आपके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ। इससे क्या होता है कि मदर को भी इजी हो जाता है कि मेरे को घर पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चे को बाहर से ही कुछ बना बनाया ऑर्डर करके मंगवा देती हैं। तो ये चीज़ भी बच्चे को नेगेटिव रास्ते पर ले जाती हैं, बच्चे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। और मदर को ये होता है कि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, तो मदर के पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है कि उसको फोन दिया बच्चे को और कुछ खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, बच्चा इजीली खा भी लेता है। मतलब उसके लिए एक नई चीज़ होती है, अभी फोन को देखते देखते वो खा लेता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, धीरे धीरे उनमें ये हैबिट आ जाती है कि हाँ मतलब फोन में देखना मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि अपना खाना बहुत ही स्लो खाना शुरू कर देता है। उसे ऐसा होता है कि मेरे को ज़्यादा देर फोन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मदर क्या करती है कि धीरे धीरे अपने बच्चे को फोन की हैबिट डाल देती है। तो फोन की हैबिट बच्चे में किसने डाली? खुद मदर ने। और बाद में परेशान होते हैं खुद पेरेंट्स ही। वो कहते हैं कि सारा दिन हमारा बच्चा फोन लेकर बैठा रहता है या सारा दिन टीवी के सामने बैठा रहता है। तो ये हैबिट किसने डाली बच्चे में? हमने खुद ने। तो पेरेंट्स हमें ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे को कोई वीडियो वगैरह देखनी है तो उसको डाउनलोड करके, आजकल टीवी में भी ऑप्शन आते हैं, यूट्यूब सीधा चल जाता है, या बच्चे को वीडियो डाउनलोड करके उसे पेन ड्राइव आदि में डालकर उसे
उसमें टीवी में चला के देख सकते हैं। तो इससे बच्चे को क्या है, ऑप्शन कम मिलेंगे। बच्चा यूट्यूब पे क्या करता है, एक वीडियो उसने देखी कंप्लीट की नहीं होती और शुरू कर लेता है और शुरू कर लेता है, तो इससे बच्चा मतलब हैबिचुअल होता जाता है। फोन में क्या है, उसे ऑप्शन कम मिलेंगे, एक या दो वीडियो देखेगा, फिर उसका ध्यान हम हटाकर किसी और काम में लगा सकते हैं, तो इससे बच्चे की आदतें सुधरती जाती हैं। तो पेरेंट्स हमें क्या करना है कि बच्चों की कुछ बातों को इग्नोर करना है, और जब बच्चा रोता है चिल्लाता है तो पेशेंस से काम लेना है, थोड़ी देर उसे रोने देंगे तो बच्चे में इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अगर पेरेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।